मोहाली जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए एसपी अभिजीत रंजन के निर्देशन पर ट्रैफिक पुलिस ने कुल 612 प्रकरण दर्ज कर वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की। जानकारी के मुताबिक बीते 6 महीनों में 311 शराबी वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त कराए, जो शराब पीकर मोबाइल पर बातचीत करते हुए और हाई स्पीड में अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे थे। इनके सर्वाधिक तादाद शराबी वाहन चालकों की सामने आई है। यातायात प्रभारी अजय प्रताप सिंह के मुताबिक शराब के नशे में होने के चलते दुर्घटना होना भी सबसे बड़ा कारण है। वहीं यातायात प्रभारी अजय प्रताप सिंह व उनकी टीम द्वारा लगातार दिन व रात्रि 10 बजे से 2 बजे के दरमियान ऑटो रिक्शा, प्राइवेट कार, लोडिंग वाहन, मालवाहक ट्रक ड्राइवरों को ब्रीथ एनालाइजर से चेक कर पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यवाही की जा रही है। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।